हेलो एवरीवन, वेल कम टू इंजीनियर्स वर्ल्ड। मेरा नाम है हरपाल सिंह। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एसीएफ 2011 के एग्जाम के बारे में। पेपर वन में हम डिस्कस कर रहे थे ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग। देखिए, इस पेपर के तीन पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप प्ले लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट फोर। देखिए, इस पेपर के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, तो ये सिविल इंजीनियरिंग के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज कैरिड आउट टू रिमूव, ऑप्शंस दिए गए हैं टर्बिडिटी, कलर, ऑर्डर या फिर बैक्टीरिया। देखिए, डिसइंफेक्शन वाटर का इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया है उनको किल किया जा सके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन कोगुलेंट इज, ऑप्शंस दिए गए हैं मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर कंटेंट, क्लोरीन या फिर ब्लीचिंग पाउडर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन वन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनहोल्स ऑन सीवर लाइन्स आर प्रोवाइडेड फॉर, ऑप्शंस दिए गए हैं पीरियड क्लीनिंग, ये बिल्कुल सही है, प्रोवाइडिंग एयर फॉर ऑक्सीडेशन, ये भी करेक्ट है, रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ सीवरेज, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following sewers is preferred for combined system of sewage? Options दिए गए हैं सर्कुलर सीवर, एग शेप्ड सीवर, रेक्टेंगुलर सीवर या फिर नन ऑफ अबो। देखिए, कंबाइंड सीवर के लिए हम एग शेप्ड सीवर प्रोवाइड करते हैं, और अगर सेपरेट सीवर सिस्टम हो तो उसके लिए हम सर्कुलर सीवर्स को प्रीफर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, एग शेप्ड सीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The velocity of flow in sewer does not depend upon, options दिए गए हैं ग्रेड ऑफ सीवर, लेंथ ऑफ सीवर, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ सीवर या फिर रफनेस ऑफ सीवर। देखिए, हमें पता है मैनिंग्स फॉर्मूला, V इज इक्वल टू 1/N, R की पावर 2/3, S की पावर 1/2। देखिए, यहाँ पे N जो है ये है रुगोसिटी कॉफिशियंट, R यहाँ पे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, और S जो है ये ग्रेड ऑफ सीवर है। देखिए, इससे क्लियर हो रहा है कि जो वेलोसिटी है वो ग्रेड ऑफ सीवर पे डिपेंड करती है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पे डिपेंड करती है, और रफनेस ऑफ सीवर पे भी डिपेंड करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लेंथ ऑफ सीवर पे वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वर्क्स इन एनारोबिक कंडीशंस, ऑप्शंस दिए गए हैं स्लज डाइजेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर। देखिए, ऑप्शन जो वन है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, स्लज डाइजेशन टैंक है वो एनारोबिक कंडीशन पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The entry of foul smelling gases into house coming from sewers can be prevented by, options दिए गए हैं providing water seals for all the fixtures, providing water seals for all the fixtures and a vent pipe in plumbing system, providing sufficient vent pipes in plumbing system, exhaust fan। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, एंट्री ऑफ द फॉल गैसेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग वाटर सील्स फॉर ऑल द फिक्सर्स एंड वेंट पाइप इन द प्लम्बिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रैप यूज फॉर वाटर क्लोजेट इज कॉल्ड, ऑप्शन दिए गए हैं गली ट्रैप, पी ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप या फिर एंटी साइफन ट्रैप। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पी ट्रैप। पी ट्रैप है वो हम वाटर क्लोजेट के लिए यूज करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि बाकी के ट्रैप्स क्या काम में आते हैं। देखिए, जो फ्लो ट्रैप होते हैं जिनको नहानी ट्रैप भी बोलते हैं, ये सभी फ्लोर्स पर प्रोवाइड किए जाते हैं, और इनका जो काम होता है वो सलेज और रेन वाटर को कलेक्ट करना होता है। गली ट्रैप होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे ओनली प्रोवाइड करते हैं, और ये नाइट सोइल, सलेज और रेन वाटर तीनों को कलेक्ट करते हैं। इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो होते हैं वो एंड पॉइंट ऑफ द हाउस ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जहाँ पे हम हाउस ड्रेनेज को सीवर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इंटरसेप्टिंग ट्रैप में जो वाटर सील होती है उसकी जो हम थिकनेस रखते हैं वो नॉर्मली 100 mm रखी जाती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए, इन ट्रैप्स के अलावा जो पाइप सलेज को कैरी करती है उसको हम वेस्ट पाइप बोलते हैं, जो पाइप नाइट सोइल या फिर ह्यूमन एक्सक्रेटा को कैरी करती है उसको हम सोइल पाइप बोलते हैं, जो पाइप फॉल गैसेस को कैरी करती है उसको हम वेंट पाइप बोलते हैं, और जो एंटी साइफनेज पाइप होती है उसको हम यूज करते हैं ताकि ट्रैप्स के अंदर वाटर सील है वो ब्रेक ना हो ड्यू टू वैक्यूम क्रिएशन इन द पाइप। तो वाटर सील को प्रिजर्व करने के लिए हम एंटी साइफनेज पाइप का यूज करते हैं, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइज ऑफ वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस कॉज, ऑप्शंस दिए गए हैं इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, इक्वल डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस,
इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस, या फिर डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस। देखिए, इस तरह से कोई भी अगर सोइल का ग्राउंड लेवल है और उसके ऊपर हम वाटर टेबल को इंक्रीज करते हैं, तो कोई भी सोइल पार्टिकल जो कि ग्राउंड लेवल से नीचे प्रेजेंट है उसके ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर उसके कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन जो पोर वाटर प्रेशर है और जो टोटल स्ट्रेस है उसके अंदर इक्वल इंक्रीज होगा। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि राइज ऑफ वाटर टेबल अबो ग्राउंड सरफेस कॉज इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, ऑप्शन वन है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम किचन एंड बाथरूम इज पॉपुलरली नोन एज, ऑप्शन दिए गए हैं डोमेस्टिक सीवेज डिस्चार्ज, स्लज डिस्चार्ज, ड्रेनेज डिस्चार्ज, नन ऑफ दीज। देखिए, ये क्वेश्चन आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए, जो किचन से और जो बाथरूम से वेस्ट वाटर जो आता है उसको कंबाइन हम सलेज बोलते हैं, तो ये में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स आर नॉर्मली डिजाइन फॉर अ डिजाइन पीरियड ऑफ, ऑप्शन दिए गए हैं 40 to 50 years, 30 to 40 years, 15 to 20 years, या फिर 5 to 10 years। देखिए, जो सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स है वो नॉर्मली 15 से 20 साल के लिए डिजाइन किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 15 to 20 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेइंग ऑफ सीवर्स इज यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ, ऑप्शन दिए गए हैं थ्योरलाइट, अ कंपास, अ प्लेन टेबल, या फिर साइड ट्रेल एंड बोनिंग रोड। देखिए, इस तरह से लेइंग ऑफ सीवर्स होती है, ये सीवर्स है, तो हम क्या करते हैं, इस बोनिंग रोड का यूज करते हैं और इसके अंदर साइड ट्रेल्स का हम इस तरह से यूज करते हैं। इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लीजिए आप, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइड ट्रेल एंड बोनिंग रोड्स का हम यूज करते हैं फॉर द लेइंग ऑफ द सीवर्स, ऑप्शन 4 जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंटर वेस्ट वाटर प्राइमरली फ्रॉम, ऑप्शन दिए गए इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, बोथ इंडस्ट्रियल एज वेल एज डोमेस्टिक वेस्ट, या फिर इनफिल्ट्रेशन इन सीवर फ्रॉम सराउंडिंग सॉइल्स। देखिए, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो वेस्ट वाटर में एंटर करते हैं ओनली डोमेस्टिक वेस्ट से, इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंस नहीं रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, डोमेस्टिक वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए रिवर स्ट्रीम टू अवॉइड फिश किल इज, ऑप्शन दिए गए हैं 2 ppm, 4 ppm, 8 ppm, या फिर 10 ppm। देखिए, अगर डिजोल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा है रिवर के अंदर वो 4 ppm से कम हो जाती है, तो वहां पे जो भी फिशेज प्रेजेंट रहती हैं उस रिवर में, तो वो सारी मर जाती हैं, यानी कि उनके सर्वाइवल के लिए कम से कम 4 ppm का डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंस होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया था, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हैजार्डस टू हेल्थ बिकॉज, ऑप्शन दिए गए हैं इट कॉज लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, इट मे कॉज कंजक्टिव्स। देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसकी ब्लड से जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, तो इस कारण से जो हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंस रहता है ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसकी वजह से क्या है ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज, ऑप्शन हमें दिए गए हैं द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड्स इन द फ्लो, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड्स इन द फ्लो, सच फ्लो वेलोसिटी एज वुड बी सफिशियंट टू फ्लश आउट एनी डिपॉजिट सॉलिड इन द सीवर, सच फ्लो वेलोसिटी एज वुड बी सफिशियंट टू इंश्योर दैट द सीवेज डज नॉट रिमेन इन द सीवर्स। देखिए, जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी होती है वो सफिशियंट होती है टू फ्लश आउट एनी डिपॉजिट सॉलिड्स इन द सीवर, यानी कि सीवर के अंदर कोई भी सॉलिड पार्टिकल अगर डिपॉजिट हो जाते हैं, उनका सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो उसको वो फ्लश आउट कर सके, तो उस वेलोसिटी को हम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी बोलते हैं। सीवर डिजाइन के अंदर जो वाटर की मिनिमम वेलोसिटी रखी जाती है, जो वेस्ट वाटर की मिनिमम वेलोसिटी रखी जाती है, वो इक्वल टू सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ पाइल विच इज ड्रिवन एट इंक्लिनेशन टू रेजिस्ट इंक्लिनेशन फोर्सेज इज नोन एज, ऑप्शन दिए गए हैं फ्रिक्शन पाइल, शीट पाइल, बैटर पाइल, या फिर एंकर पाइल। हम देख लेते हैं डिफरेंट पाइल कौन कौन सी होती है और उनके फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, इस तरह से अगर कोई पाइल होती है जिसको हम जिसका जो ये बॉटम मोस्ट पार्ट है वो रॉक के ऊपर रेस्ट करता है, तो इसका जो भी हम फोर्स ऊपर से ट्रांसफर करेंगे तो डायरेक्टली ये इस रॉक पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस तरह की पाइल को हम बोलते हैं एंड बेयरिंग पाइल। जो फ्रिक्शन पाइल होती है उसके अंदर जो इसका एंड पॉइंट है किसी भी इम्परवियस स्टेटा पे या किसी भी रॉक पे रेस्ट नहीं करता है, ये पाइल जितना भी फोर्स इस पे लगता है
ये सारा का सारा फोर्स इस साइड से जो सोइल है उसके फ्रिक्शन के कारण ये बियर करती है, इसको फ्रिक्शन पाइल बोलते हैं। देखिए कंप्रेशन पाइल इस तरह से कंप्रेशन पाइल होती है, तो जो बेटर पाइल्स होती हैं ये इनका फंक्शन क्या होता है कि किसी भी इंक्लिनेशन पे कोई भी फोर्स अगर लग रहा हो तो इसको रेजिस्ट करने के लिए हम बेटर पाइल का यूज करते हैं। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बेटर पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कप शेक्स इन टिम्बर इज अ, ऑप्शन दिए गए डिफेक्ट इन वुड, प्रॉपर्टी ऑफ ब्रॉड लीव्ड ट्री, मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग लाइफ ऑफ अ ट्री, रेजिन फाउंड इन ट्री। देखिए जो कप शेक होते हैं ये डिफेक्ट होते हैं किसी भी टिम्बर के अंदर, किसी भी वुड के अंदर। देखिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेक्स की मैंने यहाँ पे इमेज दी गई है तो आपको ये भी ध्यान रखनी है। देखिए जो कप शेप होते हैं इसमें क्या होता है कि जो रिंग है यहाँ पे इस तरह से जो क्रैक्स आ जाते हैं तो इनको हम कप शेक बोलते हैं। देखिए हार्ट शेक में क्या होता है कि ये रेडली इस तरह से जो क्रैक्स हैं जो आउटर लेयर की तरफ इस तरह से वो स्प्रेड होते हैं तो इसको हार्ट शेक बोलते हैं। देखिए रिंग शेक के अंदर क्या होता है तो ये कंप्लीट ये पूरी रिंग को कवर करते हैं, लेकिन कप शेक के अंदर ये पूरी रिंग को कवर नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स के अंदर ये इस तरह से क्रैक आते हैं लेकिन रिंग शेक में पूरी रिंग को कवर करते हैं। देखिए जो स्टार शेक होते हैं इसके अंदर क्या होता है जो आउटर रिंग्स होती हैं वहां पे इस तरह से कट फॉर्म हो जाते हैं। तो ये सारे जो है डायग्राम से हमें ध्यान में रखने हैं कौन से शेक किस तरह के होते हैं। जो कप शेक होता है वो एक डिफेक्ट है वुड के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज टू स्प्लिट, ऑप्शंस दिए गए हैं टेक्सचर, फ्रैक्चर, क्लीवेज या फिर स्ट्रक्चर। देखिए जो टेंडेंसी होती है किसी की स्टोन की स्प्लिट होने की तो वो रहता है अलोंग इट्स क्लीवेज, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैटेराइट इज अ केमिकली क्लासिफाइड एज, ऑप्शंस दिए गए हैं कैलकेरियस रॉक्स, सिलिशियस रॉक, आर्जिलिशियस रॉक्स या फिर मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए जो लैटेराइट होते हैं वो आर्जिलिशियस रॉक होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटाश लेड ग्लास इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन दिए गए हैं हार्ड ग्लास, बोहेमियन ग्लास, सोडा ग्लास या फिर फ्लिंट ग्लास। देखिए जो पोटाश लेड ग्लास होते हैं वो होते हैं फ्लिंट ग्लास, तो ये हमें ध्यान में रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लास फॉर्म बाय मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन दिए गए हैं सॉफ्ट ग्लास, हार्ड ग्लास, फ्लिंट ग्लास या फिर नन ऑफ दीज। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि जो सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट से जो ग्लास फॉर्म होता है वो होता है सोडा ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी बॉन्ड इन सॉलिड ऑफ ए टिपिकल मेटल इंक्लूड्स, ऑप्शंस दिए गए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड, मिक्स्ड बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। देखिए किसी भी मेटल के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं आयोनिक बॉन्ड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टोन्स यूज फॉर ऑर्नामेंटल वर्क मस्ट बी, ऑप्शन दिए गए हैं सॉफ्ट, हार्ड, लाइट या फिर हैवी। देखिए जो भी स्टोन्स हम ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज करते हैं वो क्या है सॉफ्ट होने चाहिए ताकि उनके ऊपर जो भी हम डिजाइन बना रहे हैं जो भी कार्विंग कर रहे हैं तो वो इजीली हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था कि जो स्टोन्स हम रबल मैसनरी के अंदर यूज करते हैं तो वो स्टोन्स क्या है हार्ड होने चाहिए, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफेक्ट इंडिकेटेड बाय व्हाइट डिकेइंग स्पॉट्स इन टिम्बर इज नोन एज, ऑप्शन दिए गए हैं ड्रोगजीनेस, डोइटीनेस, फॉग्जीनेस या फिर वेन। तो इन सारे के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए जो ड्रुगजीनेस होती है वो होती है वाइट डिकेड स्पॉट बाय फंगी। देखिए फंगस के द्वारा अगर किसी भी टिम्बर पे ऐसे वाइट डिकेड जो वेस्ट बचता है वाइट कलर का तो उसको हम बोलते हैं ड्रुगजीनेस। देखिए जो फॉग्जीनेस होती है वो पुअर वेंटिलेशन के कारण होती है, जब हम किसी भी टिम्बर को स्टोर करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि टिम्बर का जो कलर है वो रेड और येलो कलर हो जाता है, तो उसको हम फॉग्जीनेस कहते हैं। देखिए टिम्बर की कटिंग करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है अगर उसके अंदर इस तरह से कोई भी कर्व शेप रह जाती है तो उसको हम बोलते हैं वेन, तो ये वेन डिफेक्ट होता है। इसके अलावा ये जितने भी डायग्राम दिए गए हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वाइट डिकेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ड्रुगजीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज एक्सप्लॉइट्स द एडवांटेज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स, ऑप्शंस दिए गए हैं टी बीम ब्रिज, बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज, बोस्ट्रिंग गर्डर ब्रिज या फिर केबल स्टेड ब्रिज। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2 बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्बन मेथड ऑफ डिजाइनिंग इज अडॉप्टेड फॉर, ऑप्शन दिए गए हैं फ्लैट स्लैब ब्रिज, टी बीम ब्रिज, बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज या फिर केबल स्टेड ब्रिज। देखिए जो कॉर्बन मेथड यूज किया जाता है वो किया जाता है टी बीम ब्रिज के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ लोडिंग टू बी कंसिडर्ड वाइल डिजाइनिंग टेम्परेरी ब्रिज इज, ऑप्शन दिए गए हैं IRC क्लास AA,
आईआरसी क्लास ए, आईआरसी क्लास बी या फिर आईआरसी क्लास 70R। देखिए टेम्पररी बीजेस के लिए जो हम लोडिंग कंसिडर करते हैं तो वो रहती है आईआरसी क्लास बी, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर डिजाइनिंग रेलवे ब्रिजेज द लोड कंसिडर्ड एज पर ऑप्शन दिए गए हैं आईआरसी क्लास ए ए, आईआरसी क्लास 70R, EUDL एज पर ब्रिज रूल्स, आईआरसी क्लास 70R फॉर डिजाइनिंग एंड क्लास AA फॉर चेकिंग। कि रेलवे के ब्रिजेस को डिजाइन करते वक्त जब हम लोड कंसीडर करते हैं वो हम करते हैं एज पर EUDL एज पर ब्रिज रूल्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखिए जो EUDL है इसकी फुल फॉर्म है इक्विवेलेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स एज पर ब्रिज रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक प्रोवाइडेड ऑन एज अलोंग द रोड इज मेजर्ड इन यूनिट। ऑप्शन देखिए क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, मीटर या फिर परसेंटेज क्यूबिक मीटर। तो हम देख लेते हैं पहले कि ब्रिक वर्क के अंदर क्या क्या यूनिट्स रहती हैं मेजरमेंट की। देखिए पूरी पूरी टेबल हमें ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन के अंदर डेटा चेंज करके हमसे किसी और के बारे में भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्रिक यूज इन एजिंग। देखिए जनरली इसका जो आंसर होना चाहिए वो होता है इन रनिंग मीटर, हमें मीटर दिया गया है तो इसका आंसर ऑप्शन 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजरमेंट ऑफ डोर फ्रेम इज इन यूनिट। ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था, ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार्ब्ड वायर फेंसिंग इज मेजर्ड इन यूनिट। ऑप्शन देखें क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, मीटर या फिर नन ऑफ दीज। देखिए इस क्वेश्चन को अभी आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो भी हम आयरन वर्क करते हैं तो उसके अंदर इधर हमने उसको जो हम मेजर करते हैं उसकी हमने यूनिट यहाँ पे लिख रखी है, तो यारी सारी यूनिट हमें पता होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें बार्ब्ड वायर के बारे में पूछा गया है तो बार्ब्ड वायर फेंसिंग जो होती है उसको हम मेजर करते हैं इन रनिंग मीटर के अंदर, तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए रनिंग मीटर, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन। ऑप्शन देखें टू पार्टीज वैलिड इन लॉ, सेवरल एजेंसीज, थ्री एजेंसीज, टू पार्टीज विदाउट लीगल बाइंडिंग। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है किसी भी दो पार्टी के बीच में जो कि वैलिड इन लॉ हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इज। ऑप्शन देखें टू लोकेट द एरियाज ऑफ इनएफिशिएंट फंक्शनिंग, बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए जो कॉस्ट कंट्रोल के जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो ये सारे होते हैं। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब कि उन एरियाज को लोकेट करना जहां पे क्या हो इनएफिशिएंट फंक्शनिंग हो रही हो। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ एस्टिमेट, इट आल्सो प्रोवाइड द एस्टिमेट फॉर द प्रॉफिट और लॉस, तो ये ऑल ऑफ दीज का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन देखें मार्बल, लाइमस्टोन, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो इसका आंसर है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। ऑप्शन देखे हैं 50 MPa, 100 MPa, 150 MPa या फिर 200 MPa। देखिए किसी भी गुड क्वालिटी के जो स्टोन होते हैं उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है उसकी वैल्यू होती है 100 MPa, तो ये कम से कम उसकी 100 MPa कंप्रेसिव क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनग्रेडियंट ऑफ ए ब्रिक अर्थ एनेबल्स द ब्रिक टू रिमेन इट्स शेप। ऑप्शंस देखें एलुमिना, सिलिका, आयरन या फिर मैग्नीशिया। देखिए जो ब्रिक के अंदर हम सिलिका ऐड करते हैं उसका काम होता है ब्रिक को परफेक्ट शेप के अंदर रखना और उसके अंदर श्रिंकेज को प्रिवेंट करना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लेजिंग इज यूज्ड टू मेक अर्थनवेयर। ऑप्शन दिए गए हैं हार्ड, सॉफ्ट, पोरस या फिर इम्परवियस। देखिए जो ग्लेजिंग की जाती है किसी भी अर्थनवेयर पे तो वो की जाती है उसको इम्परवियस बनाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर IS स्पेसिफिकेशन शुड नॉट बी लेस देन। ऑप्शन दिए गए 10 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट या फिर 600 मिनट्स। देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 600 मिनट्स, तो ये हमें दोनों बातें ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंट्स विद व्हाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग। ऑप्शन दिए गए हैं वुड वर्क, आयरन वर्क, बोथ वुड वर्क एंड आयरन वर्क, नन ऑफ अबो। देखिए जो व्हाइट लेड बेस के जो पेंट होते हैं वो हम यूज करते हैं वुड वर्क के लिए, और जो रेड लेड बेस के जो भी पेंट्स होते हैं वो हम नॉर्मली यूज करते हैं आयरन वर्क के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट इन मेसनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ ग्रेटर देन। ऑप्शन देखे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या फिर 40 मीटर। देखिए मेसनरी वॉल के अंदर जो हम प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट वो नॉर्मली हम प्रोवाइड करते हैं 40 मीटर
जो है लेंथ से ज्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए एक्सपेंशन जॉइंट के बीच में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ मेंबर फॉर लेसिंग बार शैल नॉट बी ग्रेटर देन, ऑप्शन ठीक है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 70 डिग्री। देखिए देखिए, जो लेसिंग बार होती है उनका जो एंगल होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी जो थीटा की वैल्यू है वो 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में होती है, तो इसका मतलब है 40 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए और 70 डिग्री से ये ज्यादा का एंगल नहीं होना चाहिए वर्टिकल के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइट बिटवीन टू फ्लोर्स इज 3 मीटर एंड राइजर इज 150 mm, एज्यूमिंग टू फ्लाइट्स बिटवीन फ्लोर्स द नंबर ऑफ ट्रेड्स विल बी, ऑप्शन देखें 18, 19, 20 या फिर 21। हाइट दी गई है और हमें राइजर दिया गया है यहाँ पे 150 mm, और हमसे पूछा गया है कि ट्रेड्स कितने होंगे, और हमें क्वेश्चन के अंदर टू फ्लोर्स दिए गए हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर निकालने हो उसका फॉर्मूला रहता है हाइट बिटवीन फ्लोर्स डिवाइडेड बाय राइजर माइनस नंबर ऑफ फ्लोर्स। देखिए हमें हाइट दी गई है 3 मीटर, यानी कि इसको एमएम में लिख देंगे 3000 mm, डिवाइडेड बाय राइजर है 150 mm, माइनस कर देंगे यहाँ पे टू फ्लोर दिए गए हैं, अगर वन फ्लोर दिया होता तो माइनस वन कर देते, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18, यानी कि 18 ट्रेड्स जो है वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुटी इज मेड अप ऑफ, ऑप्शंस दिए गए हैं व्हाइट लेड एंड टर्पेंटाइन, पाउडर चाल्क एंड रो लिंसिड ऑयल, रेड लेड एंड लिंसिड ऑयल या फिर जिंक ऑक्साइड एंड बॉइल्ड लिंसिड ऑयल। देखिए जो पुटी होती है उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू, पाउडर चाल्क एंड रो लिंसिड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्रेनाइट इज इन द रेंज ऑफ, ऑप्शंस देखें ग्लास, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील या फिर बैम्बू। देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है ग्रेनाइट के लिए वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा ग्लास के, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीकेस्ट सेक्शन इन अ फिलेट वेल्ड इज, ऑप्शंस देखिए थ्रोट ऑफ द वेल्ड, स्मॉल साइड, साइड पैरेलल टू फोर्स, साइड परपेंडिकुलर टू फोर्स। दो प्लेट्स हैं उसके अंदर अगर हम फिलेट वेल्ड करते हैं, तो ये फिलेट वेल्ड हमने यहाँ दिखा रखा है, देखिए ये दोनों जो साइड हैं और जो ये वाला पार्ट है इसको हम थ्रोट बोलते हैं। देखिए इन तीनों डायमेंशन के अंदर जो थ्रोट की डायमेंशन है वो सबसे छोटी होती है, सबसे स्मॉल होती है, इसका मतलब जो डायमेंशन सबसे स्मॉल होगी तो वो साइड सबसे वीक होगी। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होगा, जो थ्रोट साइड का जो सेक्शन होगा वो सबसे वीकेस्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, थ्रोट ऑफ द फिलेट जो है सबसे वीक होगा सेक्शन। देखिए इस तरह से हमने 200 क्वेश्चंस सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट के कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए अगर आप राजस्थान ACF FRO की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार का सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न है उसको आप थॉरली स्टडी जरूर करें। ब्रीफली मैंने यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो लिख दिए हैं, और जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे और ये 3 आवर्स का जो एग्जाम होगा। जो अभी हमने 2011 का पेपर डिस्कस किया है उसके अंदर 200 क्वेश्चंस थे, 3 घंटे के अंदर उनको करना था, और इस बार 120 क्वेश्चंस आएंगे और उनको भी 3 घंटे में करना है। इसका मतलब है कि जो एग्जाम का लेवल होगा वो 2011 के पेपर से कहीं ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस उसमें आएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। इंजीनियर्स वर्ल्ड के चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ हम और भी लेके आते रहेंगे, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी हमारे नए वीडियोज आप मिस ना करें। आपके कोई भी सजेशंस हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या डायरेक्टली हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपको इस पेपर का PDF या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।